नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कहता हूं हमेशा कि हमें एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसे ही इस कड़ी के अंदर अब आपको पता ही होगा कि JSO और JEE के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और वहां पर जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनके इंटरव्यू की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहले आज अगर हम बात करें यहाँ पे तो गुंजन सैनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देगी। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी के सक्सेसफुल स्टोरी से जो फायदा आपको मिलता है, जिसके अप्स एंड डाउन्स देख के, क्योंकि बहुत सी बार हमारे मन में ऐसे डाउट होते हैं कि शायद जीतने वाला कुछ अलग ही करता होगा, तो आपको जब कहानी पता चलती है तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, उसके साथ भी वो सब कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, और अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही हमारा मेन मोटो होता है ऐसे इंटरव्यू का। तो शुरू करते हैं आज के इस इंटरव्यू को, क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ी हुई है गुंजन सैनी। तो गुंजन सैनी जी, आपका बहुत बड़ा स्वागत है इसमें। गुंजन, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दो कि आप क्या तैयारी करी थी, आपने अभी तक क्या क्या, आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और फिर इस एग्जाम की तैयारी की स्टार्टिंग कैसे की आपने? सर, बेसिकली मैं पिलानी से बिलोंग करती हूँ। ओके, पिलानी रहती हूँ। अभी जब मैंने एग्जाम प्रिपरेशन किया था, एट प्रेजेंट टाइम पे मैं लेवल सेकंड साइंस मैथ्स की टीचर थी। ओके, थर्ड में सेक्शन हुआ था मेरा। ओके, अक्टूबर। तो आप गवर्नमेंट टीचर ऑलरेडी हैं थी जिस टाइम इस एग्जाम की तैयारी करी थी? मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, यहाँ पिलानी के पास में भगीना मेरा पीओ पड़ता है, सेडू की ढाणी। ओके, वहां पे मैं पहुंची थी लेवल टू। ओके, चलिए। तो मतलब आपने फिर कब मूड बनाया कि यार मुझे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ये कब आपके मन में आया? इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए थे, प्रिपरेशन में मैं थी। Okay. लेकिन ये अक्टूबर के अंदर इसका निकला था, लास्ट 2023 में। अच्छा, तो मैंने वहां से फॉर्म फिल किया था। ओके, तो आपको सबसे पहले इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या आइडियाज आएगी, कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए, और फिर कैसे आप उत्कर्ष के पास आए, उत्कर्ष ऐप पे आए, और फिर ये जो जर्नी थी आपकी ये कैसी थी? ये स्टार्ट जब हुई, जब मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने पर मैंने ऐप खरीदा, क्योंकि अभी तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए कुछ तो चाहिए था। जो ऐप मैंने लिया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। ओके, उसमें कुछ ना तो मतलब पूरे है, ना मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे थे, कुछ मुझे कवर अप नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो यानी कि आप कह रहे कि आपने अदर किसी कोचिंग के ऐप खरीदा था, उसके अंदर आपको नोट्स प्रॉपर ढंग से मिल नहीं पा रहे थे, तो फिर उसके बाद आपको उत्कर्ष के बारे में पता कैसे चला? मैंने उसके लिए सर्च करा, नेट के ऊपर भी देखा, और मैं पहले भी उत्कर्ष से तैयारी करती थी। अच्छा, पहले भी दो तीन जब कॉम्पिटिशन जब दिए थे ना, तो मैं उत्कर्ष ऐप के थ्रू में तैयारी करती थी। मुझे इसका नॉलेज पता नहीं था तब तक, तो मैंने सोचा कि आप देखते, तो मैंने जो पहला स्टार्टिंग में लिया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। ओके, फिर मैंने उसको सर्च आउट करा, तो मुझे पता चला कि उत्कर्ष भी JSO की तैयारी करवा रहा है जी। तो फिर मैंने उसको स्किप करके फिर मैंने दूसरा ऐप लिया। ओके, तो उत्कर्ष के थ्रू जब आप जुड़ी, तो वहां से लेकर आपकी पूरी तैयारी की जर्नी कैसे थी ये बताइए आप। तो सर, मैं वर्किंग थी, मतलब मेरा 10 to 4 का टाइम था स्कूल का। मैं वहाँ स्कूल अटेंड करती थी, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मुझे उसमें मुझे मैं नोट्स नोट डाउन नहीं कर सकती थी जी। मैं चाहती थी कि मुझे इजी PDF फॉर्म में मिल जाए, और ट्यूटर भी इस तरह से हो कि वो सीधा वहीं फोकस करे, जो उसमें मतलब अपना सिलेबस है कि वहीं से मतलब करे। तो मैंने जब ऐप खरीदा, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें आप लोग क्या करते हैं, PDF फॉर्म में देते हो नोट्स। बिल्कुल, मैं वहां से प्रिंट निकाल लेती थी। बिल्कुल, मैं मेरे प्रिंट निकाल लेती थी। बिल्कुल, स्कूल में मेरा जो काम खत्म होता तो मैं उससे देखती, फिर रात को मैं क्या करती उसकी ना क्लासेस लेती, और फिर वहां से फिर मेरे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करती हूँ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बोली गुंजन ने, और यदि सीधी बात बोली जो हम भी बहुत सी बार बोला जाते हैं दोस्तों, कि जो उत्कर्ष ऐप पे सबसे बड़ा फायदा मिलता है उसमें ये कि आपको ऑलरेडी जो हम नोट्स बना रहे हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल रहे हैं, तो आपको जो करना चाहिए वो सीधा शॉर्ट नोट से पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि गुंजन ने कहा कि इसने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, 10 to 4 ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में थी ऑलरेडी, पहले से टीचिंग में थी, तो जब उसके बाद टाइम मिलता था तो सीधा शॉर्ट नोट्स पर आती थी, क्योंकि ऑलरेडी जो थ्योरी की नोट्स है वो तो हमने प्रोवाइड करवा रखे होते हैं PDF के अंदर, और ये बहुत बड़ा फायदा है। तो गुंजन, जो ये आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उस शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह की भी प्रैक्टिस की होगी आपने, उसकी प्रैक्टिस कैसे की? उसका भी मुझे जो प्रॉफिट मिला वो उत्कर्ष के थ्रू मिला, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर फ्री में भी दे रखा था जी। और वहां पर भी अपने क्या टेस्ट सीरीज चालू कर की थी, और उसके अलावा जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड सर थे ना, उन्होंने वहां पे यूट्यूब के ऊपर फ्री में
क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखी थी कि वो हर यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, सैटरडे को डालते थे, फिर हम वहां से अपना चेक करते थे कि हमें कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, वहां से वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुआ करते थे, तो हम वहां से अदर कोई पे नहीं करना पड़ा कुछ भी, वहाँ इजीली अवेलेबल हो गया। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको हो गई और हर बार जो आप पढ़ रहे थे उस थ्योरी के हिसाब से हर सैटरडे को आपको वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिंक मिल जाते थे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सके। तो यानी कि आपके साथ एक साथ दो काम हो गए, थ्योरी की भी कहानी हो गई और प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई। टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए, टेस्ट सीरीज ने कैसे हेल्प की आपकी? सर उसमें देखो जैसे टेस्ट सीरीज होती थी तो उसमें वो मिनिमम 100 या 30 मतलब क्वेश्चन आते थे उसके अंदर, और वो क्वेश्चन क्या थे प्रीवियस जो पेपर हुए थे उनके अंदर से होते थे जी। और मैं जब पेपर देने गई JSO का तो यू मान के चलो वहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस मुझे वहाँ से मिले, मतलब हेल्प मिली सीधे डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस आपको डेटा। ओके ओके ओके, तो ये तो मतलब एक तरह से हम कंटेंट टीम वालों को भी बताई दूंगा कि जिसमें टेस्ट के क्वेश्चन एज इट इज इनको भी मिले हैं। और जहां तक मैंने सुना कि यूट्यूब के अंदर भी लास्ट डे सीरीज चली थी और उसके क्वेश्चन भी बहुत मैच किए हैं, आपका क्या इसमें अनुभव रहा कि आपने वो यूट्यूब का वो सीरीज देखी थी जो लास्ट डे शायद एग्जाम से एक दिन पहले ही थी? हाँ सर, वो हमारे लिए पूरा एक ओवरव्यू आ गया, मतलब जितना इतना लेंथी सिलेबस था जो बी पार्ट था उसके अंदर 15 क्वेश्चन थे, वो भी हमने उससे मतलब हमें कॉन्फिडेंस आया। और जो 60 क्वेश्चन थे सर ने उसके लिए भी अलग से 2 दिन तक चली थी वो, हमने ना ज्वाइन की थी। चलो ये तो अच्छा है, काफी आपके काम में इसमें आया। अब मुझे जरा ये भी बताइए पर्सनली कि जैसे आपके इस तैयारी के दौरान ऐसा तो होगा नहीं कि सब कुछ स्वीटली रहा होगा, कुछ अप्स और कुछ डाउन्स तो आते ही हैं, तो जब डाउन फेज आपको कभी मिला होगा या कभी ऐसा आता होगा तो उस टाइम आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती है? सर देखो इसमें क्या आता है कि जैसे एग्जाम हम देते रहते हैं पहले से जी। तो मैंने क्या स्टार्टिंग से तैयारी की थी, सबसे पहले मतलब मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी की थी, वो भी मैंने उत्कर्ष से ही की थी, उत्कर्ष का ऐप उससे मैंने प्रिपरेशन की। बाय लक मैं 1 नंबर से रह गई, तो मैं थोड़ा बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं सोचा अपना कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद में एकदम फिर मैंने एग्जाम दिया, फरवरी के अंदर मेरा एग्जाम था सर ग्रेड 3rd का। उससे पहले मैंने रीट क्लियर कर ली थी, टेट क्लियर की थी, वो उससे पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद में मैंने रीट की तैयारी करी, उसमें भी मुझे ना उत्कर्ष से हेल्प मिली, मैंने वहां से वो एग्जाम क्लियर किया। वो उसके साथ ही मैंने फिर 2nd ग्रेड का एग्जाम दिया था। और फिर मैंने जून के अंदर सर मेरा बहुत सहयोग मिला मेरे को उत्कर्ष से, मैंने ना फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी की थी, वो मैंने प्रॉपर सिस्टम से की थी, उसमें भी हमने नोट्स नहीं बनाए, हम पीडीएफ में आपके जो ऐप के थ्रू पीडीएफ में प्रिंट निकलवाते और वहां से पढ़ते, फिर खुद के एक शॉर्ट नोट बना के, और वहां से फिर हमें यूट्यूब से मतलब आपकी चैनल चलता था उससे हेल्प मिली। तो मेरे लिए सबसे पहली गुड न्यूज आई 7 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया, मेरा जून में रिजल्ट आया लेवल सर, पहले मैं ग्रेड 3rd में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, साइंस मैथ टीचर के लिए हुआ, टीचिंग के लिए L2 में लेवल, वहां से मैं सिलेक्ट हुई। फिर सिलेक्ट होने के बाद में मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरा ना सीनियर टीचर में सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए मतलब अब जैसे कहते हैं ना कि एक बार बारिश होना शुरू होती है सक्सेस की तो होती रहती है, तो वही कहानी हुई यहाँ पे गुंजन के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर चीज के लिए उत्कर्ष है वहाँ पे, इन्होंने कहा कि ये हर चीज के प्लेटफॉर्म में थी। अभी जब ये बोल रहे हैं कि FSO यानी कि फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो अच्छी खासी पोस्ट होती है उसमें भी इनको सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की उन्होंने और नोट्स सीधे शॉर्ट नोट्स बनाए इन्होंने, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जब आप क्लासेस लेते हैं तो PDF फॉर्मेट में, और उसी की हेल्प से इन्होंने वहाँ पे भी निकाला, FSO भी 3rd ग्रेड भी निकाला और अभी सीनियर टीचिंग के अंदर भी इनका हो गया है। और आप जानते हैं JSO के अंदर तो ये सेलेक्ट हो ही चुकी है, तो इन सब के अंदर आपकी इतनी हेल्प हुई है। इस तैयारी के दौरान कोई पर्सनल आपकी हेल्प हुई, जैसे आप तो खुद तो मेहनत कर ही रही है लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे साथ में भी किसी और की वजह से भी हेल्प हुआ या किसी और ने भी बीच में कभी हेल्प की हो या घर पे किसी का मोटिवेशन रहा हो? मैं वहां से कंटिन्यू करती, मेरा फिर ना फूड सेफ्टी ऑफिस में हुआ वहां से, उसके बाद में फिर मेरा JSO में इस सारी जर्नी के अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे फादर का। चलो अच्छा है, तो फादर के सपोर्ट की वजह से आप कंटिन्यू, मतलब जब भी से कुछ होता है ना कि अप एंड डाउन आता है तो अगर पीछे एक बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे, तो मैं अच्छा लगा कि आपको ये एक सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। अब मुझे ये बताइए कि आप तो जैसे इतने सारे एग्जाम्स में हो चुकी है, अब आपको अगर मैं बोलूँ कि पूरा फीलिंग के साथ कि जैसे अब जो ये इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं ये बहुत सारे किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे मेन एसेंशियल चीज किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इन नए बच्चों को जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे,
जो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं निकले, क्योंकि आपने एकदम एक बार फेलियर भी चखा है उसके बाद फिर आपने सक्सेस चखी है, तो आप वो अच्छे से बता सकते हैं कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज का से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। सर अब जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको मार्केट में ना हिंडरिंग नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है जी। आपको पहले उसका रिसर्च करनी चाहिए कि वहां से आपको पहली बात तो फैकल्टी कैसी है, उनको एक्सपीरियंस कैसा है, और उनके पास में आपको अगर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनको पूरा सर्च करो कि वो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाता हो, और आपको इजी गोइंग मिले, उनको पीडीएफ फॉर्म में मिल रही हैं, आपको जो फॉर्मेट मिल रहा है वो सही मिल रहा हो, तो पूरा आपको ना देखना चाहिए। और अगर एक अगर कहीं आप कोई मार्केट में तो आपको पता ही है बहुत सारे हैं ऑप्शंस, तो जी, पर आपको उनका पूरा देखना चाहिए कि ना क्या है पीछे से, फैकल्टी भी है या आपका कोई पीडीएफ है, उनके नोट्स प्रोवाइड हैं, उनमें भी आप वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें पूरा मिल रहा है क्या आपको सिलेबस। जी जी। और बेस मैं मेन तो ये कहूंगी कि शॉर्ट नोट से और खुद के बिहाफ पे जी आप एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको मिल रहे हैं नोट्स तो आप उन्हीं को रटे जा रहे हो, आप उसमें खुद का भी आपको ऐड करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि जो शॉर्ट नोट्स आप बनाती है वो बनाती किस तरह से, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर हमें शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता, हम तो जो नोट्स हैं वो सारे उसको ही छोटे छोटे लिख देते हैं और उनको लगता है कि यही शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स में आपका क्या इनपुट होता है, आप उसमें अलग भी कुछ ऐड करती हैं या उसमें आपको मतलब आपके बनाने का तरीका क्या होता है? सर जैसे मान लिया हमारे जेएसओ में एक टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है तो उसके ऊपर आपको पूरा ओवरव्यू आपके एक पेज के ऊपर जब फाइनल आपको लर्न हो जाए ना, उसके बाद आपका एक पेज पे आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर इसके स्टेप्स मेन कि क्या है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, फिर क्या इसके अंदर आप एनालिसिस करो, फिर उसका तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक तो पूरा आपके पास में बड़ा एक तो पूरे पूरे नोट्स होंगे, लेकिन उन पूरे नोट्स के बाद में आपके पास एक पेज पे जिस दिन आ जाएगा ना जी, कि मैंने ये समरी करके मैं ये समझ चुका हूँ, वो आपको मान लो आपने फिर आपको बेसिक समझ लिया, आपने जिस दिन बेसिक समझ लिया तो आप क्वेश्चंस में आपको ना थोड़ा डाउट नहीं रहेगा फिर। जी जी। इसमें क्या आप जैसे टेस्ट में कुछ चीज सीख रहे हैं, आप कुछ आपको लगा कि यार ये टेस्ट में ये चीज मेरे को आइडिया नहीं थी, समझ में आया कि यहाँ पे, या फिर मेरे को आइडिया थी पर जब चोट खाई मैंने कि क्वेश्चन गलत हुआ तो वहां से सीखा, तो क्या उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में शामिल करती थी या इतनी सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में लेती नहीं थी आप? हाँ उसका मैं आपको इंसिडेंस यहाँ ऐड करूंगी। जैसे आपने मुझे पूछा किस किस का सपोर्ट रहा, तो मैं जब तैयारी कर रही थी तब जब मैंने जो मतलब पहले जो ऐप लिया था उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी, तो एक अननोन फ्रेंड ने मुझे सर्च करा गौरव नाम से, जिसने JEE की तैयारी की थी। ओके। गौरव ने उससे कहा कि भाई आप पहले मतलब उत्कर्ष ऐप के बारे में मुझे बताया, बोले SSA उसमें नोट्स की, तो मैंने कहा कि मैंने इतना पूरा तब तक मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया था जी। तो उसने बोला कि नहीं उसमें ऐसा है, आप PDF का देखो और वहां से आप इसमें से कंटेंट देखो। तो गौरव ने मेरे को सबसे शुरुआत जो हुई थी ना वो गौरव से हुई थी, गौरव ने मुझे बोला कि यहाँ से आप फॉर्मेट सर्च करो, यहाँ से देखो, तो वो सारा वहीं से मैंने इसको कनेक्ट करके क्या करा, फिर जब मैंने अपना खुद का उत्कर्ष से जब मैंने PDF निकाला तो मैं PDF को एकदम पूरा उसके हिसाब से लर्न नहीं करा, मैंने को कुछ उसमें से जो मेन मेन है उनको मैंने रे डायग्राम से शॉर्ट करके, जिससे मेरे को इजी वर्क मेरे माइंड पे, एक तो थ्योरी लर्न करते हैं एक अपन बॉक्सेस में अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं कि भी इसकी पिक्चर अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, तो मैंने कुछ बुक्स से ऐड करा, कुछ मैंने करा सर्च करा, सबको समरी करके मैंने खुद का एक कंटेंट बनाया। कंटेंट बनाया, ओके ओके ओके। और उसमें टेस्ट को भी शामिल किया, टेस्ट से कुछ चीज सीखी तो उसको भी शामिल किया। टेस्ट के बिना तो आप अपने आप को एनालिसिस, आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा आप क्या लर्न कर रहे हो, आप अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तभी आपके माइंड में है ना एक एनर्जी आएगी कि यस मैं सही राह पे जा रहा हूँ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बोली एक्चुअली, अगर हम बच्चों को बोलते हैं तो वो किस और तरीके से ले लेते हैं, लेकिन जब एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बोलता है तो उनको समझ में आता है कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वही अल्टीमेटली आपको बताता है कि क्या रास्ता आपका चल रहा है और वो चलना जरूरी है। बहुत से बच्चों को लगता है कि नहीं एक बार मैं पूरा कवर कर लूंगा जब सेटिस्फाई हो जाऊंगा तब टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं है, आपको टेस्ट पे कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए, एक लर्निंग प्रोसेस है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपसे हाँ ये एग्जाम था ना, ये अदर स्टेट के स्टूडेंट भी थे और वहां पे क्राउड कितनी ज्यादा, तो आप अगर अचानक से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देने जा रहे हो ना तो आपका माइंड सेट होना चाहिए पहले से, और वो सब किसके अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके होगे पहले से। जी जी।
आपको जैसे ये एग्जाम आपने दिया होगा तो इसमें काफी इंजीनियर भी, JEE के एग्जाम के लिए इंजीनियर भी दिखे होंगे, तो वो एक क्या मोटिवेशन था जब आप एग्जाम हॉल में गए होंगे एग्जाम के वहां पे, तो कुछ अलग लगा होगा कि यार ये वाला एग्जाम अब तक एग्जाम से थोड़ा अलग नजर आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ? अलग ऐसा हुआ, उससे पहले RPSC के एग्जाम दिए थे जी, तो वहां का माहौल अलग था, ये ऑनलाइन था सर, जी, तो जी. थोड़ा घबराहट थी। और जब मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंची तो सर क्राउड बहुत थी, क्राउड बहुत मैंने थी। बहुत क्राउड थी, अदर स्टेट के लोग ज्यादा थे, नोएडा थे, कोई गुजरात था, कोई मथुरा से था, तो मैं सबसे पूछ रही थी, तो मैं ये सोच रही थी इतनी क्राउड में अपन कैसे वहां पे फिट होएंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा डाउट सा था लगता। फिर वही है कि एग्जाम रूम में पहुंचे, वहां पे भी बैठे तो थोड़ा घबराहट थी, लेकिन पेपर जब आया ना, पेपर देख के फिर करने के बाद में जब मैंने वहां देखा तो 3-4 क्वेश्चन सीधे उत्कर्ष से थे, तो मैंने कहा अच्छा रहा, अपने वो ऐप लिया। चलो अच्छा हुआ, तो एकदम कॉन्फिडेंस वापस बाउंस बैक हुआ, तो ये बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और मुझे लगता है कि ये सारी बातें अब जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसके लिए साथ ही मैं कहूँगा गुंजन कि आपका पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सेलेक्ट हुई, मैं स्टार्टिंग में कहना भूलिएगा। जी, बिल्कुल सर, मैं वहां पे बताना भूल गई, मतलब मेरे इस रोल में मेरे फादर और मेरी स्कूल जो मैं जहाँ पोस्टेड थी सेठू की नानी, वहाँ के जो मेरे HM सर थे महेंद्र सिंह डांगी, मतलब उन सर का और मेरे जो स्टाफ में जो थे मेरे कलीग थे जो, उन सबके सपोर्ट मेरे को पूरा रहा, क्योंकि वहां से मैं माइंड मेरा मेकअप होके आता था, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते थे, तो माइंड में बर्डन नहीं था। और घर पे आके फिर घर की जिम्मेदारी और घर का काम, तो सबका, ऐसा नहीं है मेरे ससुराल वाले, मेरे पीहर, मेरे सबका सपोर्ट रहा, तभी मुझे इस मुकाम पे पहुंचा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये सबका सपोर्ट रहता है और उसी से आगे बढ़ता है, तो मैं भी आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ का सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए, फालतू की बातों को हटा दीजिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए। सबके साथ लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, श्रम चलता है, जैसे कि यहाँ पे गुंजन ऑब्वियसली एक जॉब ऑलरेडी कर रही है, उसके बाद थकी हुई होने के बाद घर पे आके वापस तैयारी करना फ्रेश एनर्जी के साथ सबके साथ रहता है, तो मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों को एक मोटिवेशन मिला होगा गुंजन की कहानी से। और गुंजन हम अब यहाँ पर अलविदा कहना चाहेंगे, तो आपको फिर से आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एंडेवर के लिए आप ऐसे ही और सक्सेस के जो है कदम चूमते रहें, और एक से बढ़कर एक चीज़ें आगे जो भी आपके लाइफ में आती है उनको फोड़ते रहें, हमारा यही आपके साथ एक शुभकामनाएं रहेगी। बाकी आज के लिए, इसके लिए जो अपने मीटिंग के लिए अपना टाइम दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।